back to my channel Ruchi Style Corner. Titles देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है. सो आज का जो वीडियो है इज माई बर्थडे शॉपिंग हॉल. बहुत सारे लोग बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे कि आप कब बर्थडे शॉपिंग हॉल डालोगे. तो आई एम एक्चुअली शूटिंग दिस वीडियो आफ्टर माय बर्थडे. मुझे टाइम नहीं मिल पाया था उसके पहले ये शूट करने का. सो यस, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक मीशो. सो दिस वीडियो इज ऑल्सो इन अ कोलैबोरेशन विद मीशो. तो आप लोग सोच रहे होंगे मीशो क्या है. बहुत सारी बार मैं अपने वीडियोज में मीशो के बारे में बता चुकी हूँ, बट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मीशो इज बेसिकली इंडियाज लार्जेस्ट रीसेलिंग ऑनलाइन ऐप. आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपना घर पे बैठ करके खुद से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी यू नो बहुत बड़ा सा फिजिकल शॉप लेने का एंड ऑल दैट. अगर आपको कपड़ों का बिजनेस करना है या आपको किसी भी नॉर्मल लाइफस्टाइल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं, उसका अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप मीशो पे कर सकते हैं. आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है अपने एंड्रॉइड फोन से, उस ऐप को डाउनलोड करना है. आप 5 to 10 minutes लीजिए, उसको आराम से सर्च करिए कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, गो थ्रू करिए. देन आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है जिस भी कैटेगरी में, आप उसको सिलेक्ट करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उस प्रोडक्ट को शेयर करिए एंड उस प्रोडक्ट की लिंक के थ्रू अगर शॉपिंग की गई है तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो डायरेक्टली आपको मिलेगा. मीशो का शॉपिंग हॉल वीडियो भी बना चुकी हूँ कि मीशो की प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी रहती है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं. एंड अगर आप हाउसवाइफ हैं, घर पे बैठे हुए हैं या आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, आप स्टूडेंट हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं. बहुत ही अमेजिंग सा ऐप है और बहुत ही सिंपल है, यूजर फ्रेंडली है, आपको बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगी. बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू अ फ्यू डिस्क्लेमर. मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ कि मेरे पास ये सब टॉप्स हैं. आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस और क्या क्या चीजें मैंने परचेस किया है वो मैं आपको बता रही हूँ. एंड सेकेंड थिंग इज कि बहुत सारे लोग ये भी मुझे आई नो कॉमेंट कर सकते हैं कि इतना सारा वेस्टेज ऑफ मनी, वाई यू हैव बॉट सो मेनी ऑफ क्लोथ्स एंड ऑल एंड ब्ला एंड ब्ला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने कपड़े मैं जनरली बर्थडे पे, मैं हमेशा हर साल ही बहुत सारे कपड़े खरीदती हूँ. मैं अपना जो वार्डरोब है उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो क्लोथिंग होती है वो बर्थडे पे ही खरीदती हूँ और फिर पूरे साल में इतना यू नो इतना सारे कपड़े नहीं लेती हूँ, बट बर्थडे पे मैं काफ़ी सारे कपड़े लेती हूँ. तो जितने कपड़े मैंने लिए हैं, जितने क्लोथ्स मैंने लिए हैं, उससे डबल इंटू टू अमाउंट ऑफ क्लोथ्स मैं ऑलरेडी डोनेट कर चुकी हूँ. बिकॉज आई एम लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, आई कांट इवन एक्सपैंड माई क्लोजेट एज वेल. सो यू नो आई हैव अ वेरी लिमिटेड स्पेस. तो उस स्पेस में आने के लिए पुराने कपड़ों का जाना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के नए कपड़े आते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव यू नो कंट्रोल्ड ऑन माई यू नो मेकअप परचेज वाली थिंग एंड आई हैव नॉट वेस्टेड माई सिंगल रुपी, सिंगल पेनी ऑन एनी मेकअप आइटम्स. मैंने कुछ भी मेकअप का नहीं खरीदा. आई हैव नॉट बॉट एनी फुटवेयर एज वेल. आई हैव नॉट बॉट एनी यू नो जो आलतू फालतू के कपड़ों के अलावा, आई हैव नॉट बॉट एनी थिंग ऑन दिस बर्थडे. अदरवाइज मैं पूरा ऊपर से नीचे तक फुटवेयर्स भी, लिपस्टिक्स भी नए, सब कुछ नया लगाना वाला एक था मेरे अंदर. बट दिस टाइम मैंने ऐसा कुछ भी, क्योंकि मेरा फुटवेयर भी यूज नहीं होता है, इस बार मैंने सिर्फ वही चीजें खरीदी जो एक्चुअली में मैं पहनने वाली हूँ. तो या बहुत सारे चटरम पटरम मैं अगर बोलना चालू करती हूँ तो मैं रुकती नहीं हूँ. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो आई लिटरली बॉट यू नो वेरी सिंपल टॉप्स और मैंने बहुत अलग अलग जगह से शॉपिंग किया है. मैंने काफी सारा शॉपिंग जो है वो ज़ारा से किया है, देन काफी कुछ मैंने फॉरएवर 21 से लिया है, देन H&M से लिया है, एंड कुछ कुछ मैंने ओनली वेरोमोडा. मेरा बर्थडे बहुत सही टाइम पे आता है, बहुत अच्छी सेल चल रही होती है, तो मुझे काफी कुछ काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिलता है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन. सब कुछ कुछ भी कहीं पर भी रखा हुआ है. ज़ारा का कुछ इधर है, H&M का कुछ इधर है, कोई भी किसी भी बैगेज में है. तो मैं आपको रैंडमली बताना स्टार्ट करती हूँ. सो दिस इज द फर्स्ट टॉप विच आई गॉट फ्रॉम H&M. वेरी सिंपल, वेरी डिसेंट, वेरी क्लासी पीस और इट्स लाइक अ सेमी फॉर्मल एज वेल. आप इसको फॉर्मल सेमी फॉर्मल में पहन सकते हैं एंड दिस इज स्लीवलेस और ये मुझे सेल में मिला था. सो दिस इज एक्चुअली 1499 और मुझे मिला था 699 में. तो आई रियली लाइक दिस टॉप और काफी डिसेंट सा और स्मार्ट सा लग रहा था. तो ये है मेरा फर्स्ट परचेस. सो जो नेक्स्ट टॉप मैं लेकर के आई हूँ वो है प्रिटी यू नो समरी काइंड ऑफ अ टॉप एंड वेरी प्रिटी टॉप. और ये यू कांट इवन बिलीव मुझे ये कितने रुपए में मिला था. दिस इज ऑफ 899 और मुझे ये सिर्फ 299 रुपीज में मिला था. लाइक बिल्कुल स्ट्रीट शॉपिंग वाला जो प्राइस होता है वैसा. एंड द क्वालिटी इज रियली गुड और जैसी मैंने जब इसको ट्राई करके देखा, आई वॉज लाइक ओ आई वॉन्ट दिस टॉप. यू नो वेरी ब्यूटिफुल समर टाइप का टॉप है ये, बहुत ही प्रिटी सा है. एंड यू नो लास्ट मेरा जो लास्ट फेब्रुअरी में दिल्ली गई थी और दिल्ली में मैंने लास्ट
जो स्ट्रीट शॉपिंग किया है वो सरोजनी से किया था और उसका एक्सपीरियंस मेरा इतना खतरनाक था ना, मैं कुछ बोलूंगी नहीं क्योंकि आई नो लॉट ऑफ यू आर अ सरोजनी लवर एज वेल जो कुछ मेरा चैनल देखते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तब से मैंने स्ट्रीट शॉपिंग ऑलमोस्ट बंद कर दी है, मैं इन सेल्स का वेट करती हूँ। और यार 300 रुपये में आपको आई थिंक स्ट्रीट मार्केट में भी 200 रुपए तक का मिलता है और ये आपको 300 रुपीज में मिल गया, विच इज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ गुड ब्रांड। सो आई थिंक ये लेना मुझे ज्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू स्ट्रीट मार्केट। नेक्स्ट जो टॉप है ये मैंने ओनली से परचेस किया था एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुल क्रॉप टॉप, नॉट मतलब एकदम ये तो बहुत क्रॉप भी नहीं है और बहुत लॉन्ग भी नहीं, एकदम प्रॉपर जो साइज होना चाहिए वो है एंड वेरी ब्यूटिफुल। द फैब्रिक इज टू गुड एंड आई लाइक द पैटर्न एंड आई लाइक द कलर, आई डोंट हैव दिस कलर टॉप। और मैंने जितने भी टॉप लिए ना आप अभी ये नोटिस करेंगे कि सब बिल्कुल लूज लूज एयरी एंड फ्लोई टाइप ऑफ मटीरियल है, बिकॉज अभी समर्स आने वाले हैं मुंबई में एंड ट्रस्ट मी आप टाइट टॉप से यहाँ पर पहन ही नहीं सकते हो, इतना हीट होने वाला है इस बार। एक्चुअल प्राइस है वो है 699, आफ्टर डिस्काउंट ही मुझे मिला है 599 रुपीज में, विच इज अ वेरी गुड डील आई गेस। नाउ नेक्स्ट इज दिस टॉप, वेरी ब्यूटिफुल कलर एंड द पैटर्न इज रियली गुड। इसका जो स्लीव्स का पैटर्न है बहुत स्टाइलिश और बहुत क्लासी लग रहा था पहनने के बाद एंड ये मैं लेकर के आई हूँ 799 रुपीज में, इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो था 1599। तो अगेन अ प्रिटी गुड डील एंड आई रियली लाइक दिस वन एज वेल। नेक्स्ट जो मेरा टॉप है दिस इज अगेन फ्रॉम ओनली और ये एकदम क्रॉप टॉप है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रॉप टॉप है एंड आई थिंक बहुत कॉमन भी है, काफी सारे लोगों को मैंने इसको पहने हुए देखा है। तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 1999 है और आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 1000 में मिला था। आई लाइक द पैटर्न, आई लाइक द प्रिंट और ये मेरे ऊपर पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, सो दैट्स वाई मैं ये लेकर के आई हूँ। एंड मैंने जब अपनी मम्मी को बताया तो माई मम वॉज लाइक कि तुम इसको ब्लैक साड़ी के ऊपर पहन सकती हो, ब्लाउज एज ए ब्लाउज पहन सकती हो, बहुत प्यारा लगेगा। सो यस, मल्टीपर्पज टाइप का टॉप है एंड काफी प्रिटी लग रहा था ये। तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेस। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ओनली से लिया, मैं बिग फैन ऑफ ओनली के जीन्सेज एंड आपने मेरा जीन्स वाला कलेक्शन भी देखा होगा तो मैं काफ़ी कुछ ओनली से लेती हूँ। सो आई रियली लाइक उन लोगों का कलेक्शन, अच्छा मटेरियल, अच्छा सब कुछ रहता है। सो द नेक्स्ट टॉप इज अगेन फ्रॉम वेस्ट साइड और ये बिल्कुल सिंपल सा जस्ट फ्लोई सा टी शर्ट है और ये मुझे मिला था 699 रुपीज का। नेक्स्ट टॉप इज फ्रॉम ओनली अगेन, तो नेक्स्ट टॉप इज फ्रॉम ओनली अगेन, ये वन शोल्डर टॉप है। एज यू ऑल नो मुझे वन शोल्डर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ही पसंद है एंड इसका कलर भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो इसका पिक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे मॉम डैड आए थे तब मैंने इसको फर्स्ट टाइम कैरी किया था एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल टॉप। एंड इसका प्राइस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि इसका टैग निकल चुका है और ये काफ़ी दिन पहले लिया था मैंने, सो आई एम नॉट श्योर कि इसका प्राइस क्या है, अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी। कमिंग टू द फॉरएवर 21 कलेक्शन, फॉरएवर 21 से मैंने तीन टॉप्स लिए हैं। सो द फर्स्ट टॉप इज दिस वन, दिस इज अ वेरी लूज बैगी काइंड ऑफ अ शर्ट और इसको आप यू नो हाई वेस्ट जीन्स के ऊपर या कैसे भी पहन सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि दिस टाइम आई लिटरली बॉट वेरी लूज लूज एंड बैगी काइंड ऑफ अ टी शर्ट। नेक्स्ट टी शर्ट मैंने लिया है वो ये है, सो यू नो दिस इज वेरी लूज बैगी अगेन, वेरी स्मार्ट, बट इसको मैं इस तरह से नहीं पहनने वाली हूँ, इसको मैं स्टाइल करूंगी टक इन करके या टाई करके। मैंने ये टी शर्ट विक्की को पहन के दिखाया था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, विक्की बोलता है ये क्या है, जबकि दिस इज आई एम इन द साइज स्मॉल बट स्टिल, मतलब ये पैटर्न ही ऐसा है, आजकल पैटर्न ही ऐसा चल रहा है, बट आई रियली लाइक दिट, द कलर एंड द प्रिंट एंड द सॉफ्टनेस इज रियली रियली गुड। और इसका जो प्राइस है दिस इज 799 और इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं था। नेक्स्ट जो टी शर्ट मैंने परचेस किया है वो ब्लैक कलर का खरीदा है, अगेन दिस इज वेरी लूज और ये एक्सेस साइज का है एंड अगेन इसका पैटर्न ही ऐसा है लूज वाले प्रिंट का एंड आगे से इसमें ऐसा क्रिस क्रॉस टाइप का बना हुआ है। इसका थोड़ा सा नेक डीप है तो आप इसके अंदर स्पेगडी या कोई स्टाइलिश सा इनर पहन सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट टॉप। ओके, नाउ कमिंग टू द स्कर्ट्स, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्कर्ट्स, मैं जनरली शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट दिस टाइम आई एक्सपेरिमेंटेड विद थोड़ा सा जो नी लेंथ स्कर्ट्स होती हैं वो बहुत इन है, बहुत ज़्यादा इन है ये इस बार। तो मैंने जो स्कर्ट परचेस करी है एक तो ये है, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रिटी स्कर्ट, फ्लोई स्कर्ट, तो मैंने ये परचेस किया है
एंड अगर आप ज़ारा और H&M में गए होंगे शॉपिंग करने इस सीजन में, अभी जो ये चल रहा था, आई एम श्योर आपको शायद यही इसी टाइप के स्कर्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले होंगे. सो दे आर वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटिफुल और थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, बट ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक देते हैं. तो मैंने एक तो ये स्कर्ट परचेस किया है, उसके बाद मैंने ये H&M का स्कर्ट परचेस किया है. ये इतना परफेक्ट, इतना प्रिटी लग रहा था पहनने के बाद. मैं अपनी पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर दूंगी. सो ये है मेरा H&M वाला स्कर्ट. इसका भी मुझे प्राइस बिल्कुल याद नहीं है, एंड आई एम इन द साइज 36 एंड UK साइज जो है दैट इज 8. तो ये है स्कर्ट, बहुत प्यारा फिटिंग, बहुत प्यारा, बहुत स्मार्ट लग रहा था. उसके बाद जो थर्ड स्कर्ट है वो अगेन कॉटन की है. ये भी मैंने सेल में ही परचेस किया था एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुल. ये थोड़ा सा अप एंड हाई लो पैटर्न जो होता है, आगे से हाई है एंड पीछे से लो पैटर्न का है. तो ये भी काफ़ी लॉन्ग मिड लेंथ स्कर्ट है, मिडी काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना, वैसा स्कर्ट है ये. तो ये भी बहुत प्यारा सा लग रहा है. सो ये है स्कर्ट. ओके, सो आई गॉट दिस टॉप फ्रॉम वेस्ट साइड एंड आई रियली लव दिस टॉप. जब मैंने इसको पहन करके देखा, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये किसी ना किसी एक दिन मैं पहनूंगी अपने बर्थडे पर. तो मेरा जो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन था, जो मेरे डांस क्लास के बच्चों के साथ हुआ था, उस पर मैंने इसको कैरी किया था एंड ये बहुत प्रिटी लग रहा था, बहुत प्रिटी लग रहा था. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टॉप इज जब आप इसके अंदर हार्ट अंदर डालते हो एंड आप इसको ऑफ शोल्डर पैटर्न में पहनते हो, तो आप कितना भी हाथ ऊपर कर लो, ये ऊपर नहीं जा रहा था, विच आई रियली लाइक इट. मुझे इस तरह के ऑफ शोल्डर बहुत पसंद है. और ये मैंने वेस्ट साइड से परचेस किया था. ये इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, आई थिंक 1200 तक का ही था. दिस इज अ ब्यूटिफुल वन पीस, काफी प्रिटी सा वन पीस है ये. और ये मैंने लिया है एंड से, एंड इस काफी डिस्काउंट में मिला था. ये 3000 कुछ का था और मुझे मिला था ये 1800 रुपीज में. तो ठीक है, अच्छे प्राइस में मिल गया था एंड काफी प्रिटी सा है. अगेन वेलवेटी टेक्सचर है. ये दोनों कलर्स ऑलमोस्ट आपको सेम लगेंगे. ये थोड़ा रेडिश टाइप का है एंड ये पिंकिश मरूनिश मिक्स है. सो वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी क्लासी पीस एज वेल. नेक्स्ट कमिंग टू द जीन्स, मैंने एक जीन्स और परचेस करी है. जीन्स कलेक्शन वाला वीडियो देखा था, उसमें आई थिंक उसके बाद मैंने जब डीक्लटरिंग किया है तो उसमें से 6 जीन्सेस मैंने निकाल करके ऑर्फिनेज में दे दी थी. तो आई नीड अ वेरी यू नो, ऑब्वियसली इतनी सारी जीन्स रखने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज पहनते हम हार्डली 5 या 6 जीन्सेज हैं जो हमारे करंट साइज की होती हैं. और उसमें से बहुत सारी जीन्सेज ऐसी थी जो मेरे शादी के पहले की थी, तो ऑब्वियसली मेरे 2-3 इंचेस बड़े हैं. उसके अकॉर्डिंग वो जीन्सेज बिल्कुल कुछ बहुत सारी कंफर्टेबल नहीं थी, जिनको मैं बिल्कुल भी सेकंड थॉट देती हूँ पहनने से पहले, उन सबको मैंने निकाल दिया. सो दिस इज अगेन ओनली का जीन्स. आई लिटरली लव ओनली के जीन्स की फिटिंग, बट नीचे से थोड़ा लूज पैटर्न में, वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा लग रहा था ये पहनने पर. कमिंग टू द लास्ट पीस, ये बिल्कुल भी मुझे नहीं देना था और मुझे इतना कोई खास पसंद भी नहीं आया था, बट विक्की स्पेशली फोर्स्ड मी कि ले लो ले लो ले लो, तो मैंने गुस्से में लिया. और तो आई बॉट दिस जैकेट, दिस ह्यूज बिग जैकेट फ्रॉम ज़ारा. तो एक्चुअली ये मेरे साइज का भी नहीं है, ये L साइज का है. हमको कहीं ऐसी जगह पे जाना हो तो लिटरली एक सेकेंड थॉट देना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी इस तरह का, सब स्टाइल मारने वाली चीज़ें हैं बट प्रॉपर जो प्रोटेक्ट कर सके वैसी चीज़ें नहीं है. तो जब ये मैंने पहन करके देखा तो विक्की वाज लाइक कि ये इतने कम प्राइस में इतना सस्ता नहीं मिलेगा, और इसका सिर्फ एक ही पीस बचा था. तो बेसिकली इसका जो प्राइस है दैट इज 6,990 अप्रॉक्सीमेटली, 7,000 रुपए की थी और मुझे डिस्काउंट पे मिली है 2,990, मतलब 3,000 रुपए की. तो विक्की ने मुझे फोर्स किया, विक्की बोला एल साइज है, नहीं पहनना है, किसी को दे देना घर वाले में से किसी को, बट ये इसको छोड़ो मत. एंड फिर आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, पहनने के बाद इतना छोटा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर मुझे लेयरिंग करनी हुई कहीं ऐसी जगह पे हम गए स्नो वाली एंड ऑल दैट, दिस इज वेरी हैवी एंड वेरी नाइस जैकेट. और ये है जैकेट और इसके अंदर इस तरह का कुछ बेल्ट भी है, तो मैं अभी इसको आपको पहन के नहीं दिखा रही हूँ. इसका जो कैप है ये बहुत अच्छा है. सो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस जैकेट इज कि आप इसको स्नो में कैरी कर सकते हैं, वाटर में कैरी कर सकते हैं. सो दिस इज वाटर प्रूफ, स्नो प्रूफ. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ज़ारा थिंग्स. तो जो नेक्स्ट टी शर्ट मैंने परचेस किया है वो है ये. दिस इज फ्रॉम ज़ारा एंड ये मुझे मिला है 790 रुपीज का, एंड ये प्योर लिनन का टी शर्ट है. आई एम इन द साइज स्मॉल एंड एज आई टोल्ड यू कि आप चाहे H&M में मुझे ऐसा लूज पैटर्न के टी शर्ट्स नहीं दिख रहे थे, बट हाँ ज़ारा में और फॉरएवर 21 में बहुत इस टाइप के पैटर्न आए हैं. सेकेंड जो टॉप मैंने लिया है वो है ये रेड कलर का टॉप, एंड दिस इज इन द, इसका प्राइस है 590 और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था. एंड अगेन आई एम इन द साइज स्मॉल. काफ़ी ब्यूटीफुल सा रेडिश एंड ऑरेंजिश मिक्स टाइप ऑफ बोल्ड कलर है इसका.
तो ये है नेक्स्ट टॉप. नेक्स्ट जो टॉप मैं लेकर के आई हूँ इज दिस वन. वेरी ब्लिंगी ब्लिंगी एंड चंकी काइंड ऑफ अ पैटर्न दिस इज, बट विक्की लाइक्ड इट सो मच. जब मैं बाहर पहन करके आई तो विक्की ने मुझे बोला बहुत अच्छा लग रहा है ये, 1790 और मुझे मिला है ये 1190 में. बहुत अच्छा लग रहा था ये पहनने के बाद, तो इसको मैंने लिया है एंड दैट्स इट. मैंने इसके अलावा कोई हैंड बैग परचेस नहीं किया, बाकी कुछ और परचेस नहीं किया, सिर्फ कपड़े कपड़े परचेस करे हैं. एंड हाँ, दिस इज ऑल्सो द टॉप विच आई गॉट फ्रॉम वेस्ट साइड, वेरी कंफर्टेबल. तो या दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप यू लाइक इट. जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक आई गेस सेल खत्म हो चुका होगा, बिकॉज जनवरी 26 या 28 तक खत्म हो जाता है. सो आई होप यू रियली लाइक माई वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.